मैंने अपना बदला ले लिया है शिव, मैंने तुझे खुद से 10 गुना ज्यादा चोट पहुंचाई, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। इंदर देख रहे हैं आप, ये मुझसे कैसे बात कर रहा है? ये लीजिए प्लीज इंदर, अपने आप को संभालिए। हम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते हैं। देखिए उनके पास आरती की सिर्फ फोटोग्राफ है और कोई प्रूफ तो नहीं। हम मीडिया को ये कह देंगे कि आरती हमारी मेट थी, जो कुछ दिन पहले ही यहाँ से काम छोड़कर चली गई। फिर आरती को हम कहीं और भेज देंगे और इस बात को झुठला देंगे। As simple as that. Really? Dad, आप ऐसा सोच भी सकते हैं? मेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या? तो अगर माँ इस घर से दूर जाएंगी तो उनके साथ मैं जाऊंगा। अच्छा है ना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है डैड। वो वंस एंड ऑल सारे नाजायज रिश्ते खत्म, फिर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं होगी। आरती, आखिर तुम जो चाहती थी वो तुमने कर ही दिखाया। तुमने एक बेटे को अपने बाप के खिलाफ कर दिया। प्लीज प्रेरणा मॉम, मां से ऐसे बात ना कीजिए। फिर इसमें मां की क्या गलतियां? एंड कम ऑन डैड, आज आपको एक डिसीजन लेना होगा। आप ये झूठ भरी जिंदगी से थक नहीं गए? माँ, आरती, Mr. Raichand, you see as a condition is very critical. Oh my God, आरती ठीक तो हो जाएगी ना? अगर आप चाहें तो मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमें लगता है कि इन्हें अभी शिफ्ट नहीं करना चाहिए। As you know, इन्हें हार्ट अटैक आया था। आज रात हमारी नर्स इनके साथ रहेगी और अगले कुछ घंटे इनके लिए बहुत क्रिटिकल है। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे।